हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मसाला चने की रेसिपी। मात्र 5 मिनट में बनने वाले ये मसाला चने खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे वैसे फुटाने भी बोला जाता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होते हैं और ये बनाने के तरीके भी बहुत डिफरेंट है। कभी नमक में भुना जाता है, कभी बालू में भुन सकते हैं इसे। लेकिन आज जो हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट है, तो इसे एंड तक तो ज़रूर देखें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और मसाला चने बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ब्लैक ग्राम यानी कि काले चने 1 कटोरी। चलिए अब इसे बनाने का तरीका भी देख लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म करने रख दिया, हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 1 मुट्ठी चने डालूँगी। जैसे मैं इसमें चने डालूँगी ये फूलना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम चने भूनते हैं, कभी नमक में भूनते हैं, कभी बालू में भूनते हैं, लेकिन उसका स्वाद अलग लगता है, इसका स्वाद पूरी तरीके से अलग लगता है। जैसे गर्मा गर्म ऑयल में ये चने डालेंगे, गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें भुनना होता है। चम्मच की सहायता से कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे भुनना शुरू कर देंगे तो ये फूटने लग जाते हैं। देखिए कितने बढ़िया से ये फूट चुके हैं। तो इस तरीके से चने आप मात्र 5 मिनट में घर पर बना सकते हैं। इसके ऊपर मसाला भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। चलिए अब दूसरी बैच को भी मैं तल के दिखा देती हूँ। और जब हम ये चने तलते हैं तो ये 5 मिनट में तो तले जाते हैं। कभी हमें ट्रैवल में जाना होता है, कभी हमें चटपटी कोई टी टाइम स्नैक्स के रूप में खाने का मन करता है, चटपटी चीज़, तो इस तरीके से चने आप 5 मिनट में बना सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यूसली स्टर इसको करेंगे ये फटाफट फूटना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बढ़िया से चने हमारे फूल चुके हैं, फूट चुके हैं, जैसे कि फूटाने मिलते हैं मार्केट में। उसी तरीके से ये चने तल के आप बना सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये चने। तो इसे भी मैं निकाल लूँगी और जब ये सारे निकालने के बाद हम बाकी के सारे चने इकट्ठा इसमें डाल देंगे। और ये ऑयल को बिल्कुल भी एब्सॉर्ब नहीं करते, ये ऑयल बिल्कुल भी पीते नहीं हैं, इसलिए बहुत थोड़े ऑयल में इसे तल सकते हैं। और जब भी बच्चों का कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो इस तरीके से चने तल के आप उन्हें दे सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसके पहले भी हमने ये रेसिपी डाली है, उसमें हमने अलग तरीके के मसाले लगाए थे। यहाँ पे मसाले जो हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके के चने इस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। देखिए हमारी तीसरी बैच भी तल कर रेडी हो चुकी है। तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी, इसे स्नैक भी बोल सकते हैं, टी टाइम स्नैक भी बोल सकते हैं, इसे ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं अगर वो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो। ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होते। और यहाँ पे हमारे सारे चने तल कर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या डालना है। हमने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने 1/4 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी भुने हुए जीरा और काले नमक का पाउडर। दोनों को एक साथ मैंने पाउडर बना के रखा था, थोड़ा सा वो डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है वो भी इसके ऊपर, या फिर अमचूर पाउडर, जो भी मसाला आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। और ऐसे चने आप बना कर रखेंगे तो ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, ट्रैवल में कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।